लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी के युवा नेता निशांत भगत ने आज अपने बर्थडे पर कई लोक सेवी कार्यक्रम चलाए। इस अवसर पर फ्री एम्बुलेंस सेवा और बुजुर्ग नागरिकों के लिए फ्री औषधि और उपचार वैन की शुरुआत की गई, जो इलाके के जरूरतमंद लोगों को सेवा उपलब्ध कराएगी। इस अवसर पर निशांत भगत के तमाम समर्थकों ने उन्हें रक्तदान और पुष्पगुच्छ के जरिए जन्मदिन की शुभेच्छा दी। नवी मुंबई वासी के सदगुरु कृपा निवास में आयोजित यह रक्तदान शिविर युवा नेता निशांत भगत के जन्मदिन पर चल रहा है, जहां उनके सैकड़ों समर्थक अपने नेता को बर्थडे की शुभकामना देने अपना रक्तदान करने में जुटे हैं। खुद निशांत भगत ने भी रक्तदान कर अपने समर्थकों और तमाम युवाओं को प्रेरित किया। इस अवसर पर बीजेपी नेता दशरथ भगत की उपस्थिति में एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही यहाँ सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री उपचार और औषधि वैन भी रवाना की गई, जो प्रभाग 65, 77 एवं 78 में घूमकर जरूरतमंद नागरिकों को सेवा देगी। इस अवसर पर युवा नेता निशांत भगत ने तमाम सामाजिक उपक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना काल में रक्त की कमी ना हो, इसके लिए जन्मदिन पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इन उपक्रमों के जरिए हम जनता के लिए 24 घंटे सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। निशांत भगत ने नागरिकों से सभी लोक सेवी सुविधाओं का लाभ उठाने का भी आह्वान किया। दो दिन पहले ब्लड का कमी का महसूस यहाँ पे होने के बावजूद कुछ किसी न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि ब्लड की कमी फिलहाल नवी मुंबई शहर में दिख रही है और कोरोना का संसर्ग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, कोरोना के पेशेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या कर सकते हैं? इसीलिए हम लोग ने बहाना ढूंढा कि बर्थडे के दिन, जन्मदिन के दिन कुछ ऐसा सामाजिक उपक्रम जिसमें लोगों को भी उसका लाभ मिले, इसके लिए आज के दिन जन्मदिन के मौके पर यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। साथ ही साथ कोरोना के पेशेंट बढ़ते समय बहुत सारे लोगों को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसी का मौका हम लोग ने देख के आज यहाँ पे प्रभाग क्रमांक 77, 78 और 65 के साथ ही साथ नवी मुंबई शहर के लोगों को एम्बुलेंस का लाभ मिले, मुफ्त सेवा मिले, इसलिए एम्बुलेंस का भी अनावरण आज के दिन हम लोग ने किया। और जो शहर
में रहने वाले विशेषतर वार्ड क्रमांक 65, 77 और 78 के जो सीनियर सिटीजन है, 55 साल से भी ऊपर जो लोग जो सीनियर सिटीजन है उनको फ्री में उनको इलाज देना और साथ ही साथ उनको दवाई देना, ये प्रोग्राम ही जो मोबाइल हॉस्पिटल जो है हम लोग आज के दिन पूरे तीनों ही वार्ड में हम लोग घुमाने वाले हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हो कि इस कोरोना काल में जो लॉकडाउन जो लगा था उसके वजह से लोगों को तकलीफ हो रही थी, इसेंशियल सर्विस हो या फिर ग्रोसरी आइटम्स हो, वेजिटेबल के आइटम्स हो या फिर मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन हो, आर्सेनिक एल्बम 30 का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सभी लॉकडाउन के दौरान हम लोग ने किया था। तो आगे जाके भी लॉकडाउन लगता है तो हम लोग वही पूरा सेवा वापस से हम लोग देने के लिए तैयार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे प्रभाग के एरिया के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, किसी भी तरह का डर मन में मत रखो, कुछ भी जरूरत पड़ती है तो 24/7 हम लोग आपके साथ में हैं। हमारे नेता गणेश जी नाइक साहब और दशरथ भगत साहब के नेतृत्व में 24/7 हम लोग आपके सेवा में है। कुछ भी ज़रूरत लगती है तो हमको फ़ोन करो, हम आपके सेवा में हाजिर रहेंगे और हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। इस अवसर पर ऑटो चालकों के लिए बैनर भी लॉन्च किया गया ताकि कोरोना के बीच लोकसेवी सुविधाओं की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस दौरान निवर्तमान नगर सेविका फसीबाई भगत, रूपाली भगत, वैजयंती भगत, मनोज महाराणा, संदीप भगत समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। यहाँ तमाम समर्थकों ने निशांत भगत को पुष्पगुच्छ के जरिए भी शुभेच्छा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 India।